हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा और आज मैं आप लोगों को मेंसुरेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराऊंगी, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो कवर करवाऊंगी। पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। देखिए, अगर आपने मेंसुरेशन पहले नहीं की हुई है, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में मेंसुरेशन आएगी, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि आपका टेंथ तक जो मैथ्स था वो वीक था, या फिर आपने अच्छे से नहीं किया, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या फिर मतलब कोई भी रीज़न रहा हो इसके लिए, ठीक है, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मेंसुरेशन इतने अच्छे से करवा दूँगी कि आपका कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम जिसमें मेंसुरेशन आने वाली है उसमें एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, जो भी मैं चीज़ें करवाऊंगी उनको नोट करते जाना है, ठीक है, क्योंकि मेंसुरेशन में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हर एक फॉर्मूले को ध्यान से नोट कीजिएगा, उनको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा। जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में एक छोटा सा फॉर्मूला भी भूल गया तो वहीं पर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर फॉर्मूला भूल गई तो क्वेश्चन वहीं पर अटक जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी मेंसुरेशन जो है वो फॉर्मूलों पर ही डिपेंड करती है। ओके, तो देखिए, ये जो भी मैं आपको मेंसुरेशन करवाने जा रही हूँ, ये आपके सभी, चाहे वो रेलवे एग्ज़ाम है, एसएससी है, बैंक है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर पंजाब पटवारी। अगर आप पंजाब से हैं तो देखिए, आपको पता ही होगा कि पटवारी के एग्ज़ाम में आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपको मेंसुरेशन आने वाली है, ठीक है। मेंसुरेशन अगर आपको अच्छे से आती है तो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करने के चांसेस आपके काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से, सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन से ही आने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये इजी होते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं होते हैं, तो बस आपको ध्यान से देखिएगा। चाहे आप पंजाबी मीडियम में थे, हिंदी मीडियम में थे, इंग्लिश मीडियम में थे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। आप चाहे किसी भी मीडियम से रहे हो, मैं अच्छे से आपको ये चीजें जो है एक्सप्लेन करती रहूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एरिया, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहा है तो आपको पता होना चाहिए एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम 2D मेंसुरेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 2D मतलब 2D चीज़ें होती क्या हैं, 2D। ओके, देखिए, अगर मैं बात करूँ एक स्क्वायर की, ठीक है, वर्ग, जिसे हम वर्ग बोल देते हैं, स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, हमारी जो ट्राइंगल हो गई, रेक्टेंगल हो गई, ये सभी चीज़ें जो होती हैं 2D होती हैं, मतलब जिसकी सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशंस होती हैं, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ, बस दो ही चीज़ें होती हैं। इसकी हाइट नहीं होती है, ऊंचाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशंस होती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो इसे हम क्या क्या कहते हैं, 2D मतलब टू डायमेंशंस फिगर। ओके, तो देखिए, इसका सिर्फ और सिर्फ एरिया होता है, और जो 3D चीज़ें होती है, मतलब जिसकी तीन डायमेंशंस होती हैं, लंबाई और चौड़ाई तो होती ही होती है, जिसके साथ साथ ऊंचाई भी होती है, तो उसको हम 3D बोलते हैं, जिसका वॉल्यूम भी होता है। ओके, तो अब देखिए, एरिया क्या होता है, टोटल स्पेस एनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ प्लेन इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। अब देखिए, अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ, इस स्क्वायर ने कितना एरिया जो है कवर कर रखा है, मतलब कितनी जगह घेर रखी है, उसे हम क्या कहेंगे, एरिया। तो हर एक चीज़ का अलग अलग फॉर्मूला होगा, अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग फॉर्मूले होंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसे हम एरिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ खेत है हमारे, तो खेत में हम क्या कहेंगे कि खेत, ये जो खेत है कितने एकड़ का है, कितना, मतलब अगर हम एरिया वाइज बात करें तो कितना एरिया इसने घेर रखा है, ठीक है, तो वो हम उस हिसाब से निकाल लेंगे। कैसे है कि जो ये खेत है हमारा किस शक्ल का बना हुआ है, किस शेप का बना हुआ है, तो उस हिसाब से इसका एरिया जो है वो निकल जाता होता है, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है, हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर यूनिट में होता है। ओके, स्क्वायर यूनिट में होता है, मतलब अगर हम मीटर की बात करें, ठीक है, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे हम, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। आगे देखिए, आगे क्या बात करते हैं, पेरीमीटर की। अब पेरीमीटर क्या होता है, देखिए, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बॉर्डर अराउंड एनी एनक्लोज प्लेन। अब जैसे कि हम स्क्वायर की ही बात कर रहे थे, तो स्क्वायर में अगर हम बात करें कि ये बॉर्डर, बॉर्डर की सिर्फ और सिर्फ हमें लेंथ देखनी है, मतलब अगर हम मान लीजिए, मैं कहूँ कि खेत है हमारा, उसके
चारों साइड पे हमें, मतलब सभी साइड पे हमें क्या है, तार लगवानी है। ठीक है, तार तार लगवानी है, तो हमें पता करना होगा कि कितनी तार लगेगी। ठीक है, कितनी तार लगेगी, उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, यहाँ से मिल लेंगे ना, ये बाउंड्रीज सभी को प्लस कर लेंगे, तो ये चीज़ क्या होती है, पेरीमीटर ही होती है। बाउंड्रीज का प्लस मतलब चारों साइड को अगर हम प्लस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है, इसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। ये मतलब पेरीमीटर कब यूज़ होगा, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे ही आ गया कि अगर क्वेश्चन आ गया कि एक खेत है, वहाँ पर चारों साइड पर तार लगवानी है, तो बताइए कि कितने मीटर तार लगेगी, हम क्या करेंगे, सभी साइड्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, भाई इतने मीटर जो है तार लगेगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ईंटें जो है लगवानी है, ये है, मतलब ये सभी चीजों के लिए क्या है, बाउंड्री। जहां पर भी बाउंड्री की बात की आ जाए तो वहां पर पेरीमीटर होगा। ओके, और याद रखिएगा, अगर सर्कल है, ठीक है, सर्कल भी 2D डिमेंशन है, तो अगर सर्कल की बात आ जाए तो सर्कल को का की जो बाउंड्री है उसे हम पेरीमीटर ना बोलकर क्या बोलते हैं, सरकमफ्रांस बोलते हैं। ठीक है, सरकमफ्रांस, ठीक है, तो इसे हम पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, सरकमफ्रांस बोलेंगे। बात वही है, बाउंड्री की ही बात है, लेकिन उससे हम बस पेरीमीटर की जगह सरकमफ्रांस बोल देंगे। ओके, तो ये चीज़ होती है। चलिए, अब सबसे पहले आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन कि देखिए, मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी पढ़ा रही हूँ, शायद आप लोगों ने अनअकैडमी के बारे में सुना ही होगा। इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, मैं भी वहाँ पर पढ़ा रही हूँ, और वहाँ पर मेरी 15th of March, अगर आप आज मेरी वीडियो देख रहे हो तो कल को, ठीक है, संडे को, 15th of March को, 15th of March 2020 को मेरी जो है 5 बजे शाम को लाइव क्लास होने वाली है। ठीक है, लाइव क्लास है जिसमें मैं मेंसुरेशन ही करवा रही हूँ आपको अच्छे से लाइव क्लास में। ठीक है ना, क्योंकि लाइव क्लास में पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, तो आप वहाँ पर मेरी क्लास जो है फ्री में देख सकते हैं। आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपके पास नहीं है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और क्लास का जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगी। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप का लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है जो मैं लिंक आपको लाइव क्लास का दूंगी उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको ये इस तरीके का कुछ खुल जाएगा, यहां पर आपको नोटिफाई मी लिखा आएगा, तो वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर आ जाएगा वी विल नोटिफाई यू, मतलब जब भी क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन जो है उसकी मिल जाएगी। ठीक है, कि मैम की क्लास चल रही है तो आप देख लीजिए इस तरीके से। ओके, तो वहाँ पर जाकर आप क्लास जो है ज़रूर अटेंड कीजिएगा, यहाँ पर आप लाइव मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं सभी में आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा 5 बजे हर रोज़ 5 बजे मेरी यहाँ पर फ्री वाली लाइव क्लास हुआ करेगी कल से, तो आप देखिए डेली अटेंड कीजिए, आपको बहुत कुछ जो है वो वहाँ से सीखने को मिलेगा। और एक और इन्फॉर्मेशन की देखिए, आपको पता ही होगा कि अन अकेडमी पर जो है प्लस सब्सक्रिप्शन चल रही है, ये तो थी फ्री क्लासेस। अगर आप पेड क्लासेस, मतलब अगर आप लेना चाहो पेड क्लासेस भी आप ले सकते हो, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सीरियसली किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीरियसली, तो आपको ज़रूर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो इससे आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको इतना स्टडी मटेरियल मिलेगा, इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस मिलेगी, तो अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप लेना चाहो तो मैं आपको बता देती हूँ, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप खोलोगे, प्लस में जाओगे, तो आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन आएगी, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पर, उसके बाद आपके लिए ये कुछ पेज खुल जाएगा, जैसे कि आप मतलब किसी भी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जैसे कि बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन है, या कोई भी है। ठीक है, जैसे कि UP SSC के लिए भी है यहाँ पर, और जैसे कि रेलवे के लिए भी है, UPSC के लिए भी है, सभी के लिए है, SSC के लिए भी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बैंक एग्जाम खोला, ठीक है, उसकी सब्सक्रिप्शन का सबसे पहले ये है चार्जेस। ठीक है, जैसे कि 1 मंथ का लेना चाहो तो 1200 रुपये का आपको पड़ेगा, 3 मंथ का लेना चाहो तो 3000 का टोटल पड़ेगा, इसी तरीके से 6 का ये, बाकी आपको डिस्काउंट भी मिलेगा वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो आप कंटिन्यू पर, मतलब जिस पर भी आप क्लिक करना चाहे, जैसे कि अगर आपको 12 मंथ का चाहिए तो 12 मंथ पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू करोगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स कंफर्म करनी होती है। आगे देखिए, यहाँ पर आपको रेफरल कोड की ऑप्शन आ रही है, एंटर रेफरल कोड, मतलब अगर आप रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए 10% का डिस्काउंट के लिए आपको रेफरल कोड क्या लिखना है, अनुपमा 10। ठीक है, ANUPA
एम ए टेन ई, ठीक है, अनुपमा टेन, आप मेरा रेफरल कोड जो है वो यूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आप क्रेडिट्स, मतलब अन अकेडमी पर अगर आपके क्रेडिट्स आप थोड़ा पढ़े हुए हैं, लेसन्स वहाँ पर देखे हुए हैं, तो आपको क्रेडिट्स मिल जाते होते हैं कुछ, तो क्रेडिट्स आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा, तो मतलब क्रेडिट्स और रेफरल कोड दोनों ही अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपका 6000 का, अगर आप जैसे कि 12 महीने का ले रहे हो, वैसे तो आपको 6000 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये दोनों ही अप्लाई कर दोगे, ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको ये 4860 का मिल जाएगा, मतलब तकरीबन आपको 1200 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट कर दीजिएगा, बस पेमेंट हो जाएगी और आपका जो सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगी। उसके बाद आप जितनी मर्जी दिन में, रात में, जब मर्जी, जब भी क्लासेस होगी प्लस वाली, तो आप वो आप देख सकते हैं, उनका बेनिफिशियल जो है आप बेनिफिट उसका उठा सकते हैं, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल की कुछ टाइप्स होती हैं। ट्रायंगल सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, ये त्रिभुज, मतलब जिसकी तीन साइड होती है, 1 2 3 त्रिभुज, ठीक है, उसे हम ट्रायंगल बोल सकते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज, ठीक है, त्रिकोण, जिसको त्रिकोण भी बोलते हैं, त्रिकोण, ठीक है। तो अब देखिए इसकी कुछ टाइप होती है, जैसे कि इक्विलेटरल, इक्विलेटरल आपको ने पढ़ा होगा, समकोणी समभुजी, ठीक है, समकोणी समभुजी, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए और थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ, तीनों साइड तो इसकी बराबर होती ही होती हैं, आपको पता ही होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का प्लस, तीनों एंगल्स, जैसे अगर मैं बात करूँ ए बी सी है, तो तीनों एंगल का, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तीनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो मतलब इसको अगर तीन से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 60, मतलब तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसके बारे में। आगे देखिए इसका एरिया क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, मतलब मैं आपको इतना डीपली नहीं जाऊँगी, ये कैसे एरिया बना ये इतना डीपली हम नहीं जाएंगे, ठीक है, आपको बस जस्ट इसको याद कर लेना है, कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। आगे हाइट क्या है, √3/2 ए, ठीक है। और पेरीमीटर, पेरीमीटर तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, मैंने बताया था तीनों साइड का प्लस होता है, तो a प्लस ए, तीनों साइड बराबर होती है ना, तीनों को हमने ए ए ए का नाम दे दिया, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 3 ऑफ ए, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा इनको, बस हर रोज़ पढ़ते रहिए आप, सुबह पढ़िए शाम को पढ़िए, इस तरीके से पढ़ेंगे आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे ये। आगे देखिए आगे क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती हैं, जिसकी दो साइड, ठीक है, सम दो भुजी आपने पढ़ा होगा, एक तो था समभुजी, समभुजी मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, सम दो भुजी मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तो दो भुजाएं भी बराबर होती हैं, इसके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। देखिए ये चीज़ होती है कि अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इस साइड के सामने वाला कौन कौन सा है, ये वाला, ठीक है, इस साइड के सामने वाला कौन कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो इसीलिए ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब कोई भी साइड हो जाए, चाहे अगर ये दोनों बराबर है तो इस साइड के सामने वाला कौन कौन सा बन रहा है, ये वाला, इस साइड के सामने वाला कौन कौन सा बन रहा है, ये वाला, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से क्या है कि ये दोनों साइड भी बराबर होंगी और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ओके। तो इसका भी एरिया का फॉर्मूला याद कर लीजिए, b/4 इंटू √4a² - b², इसी तरीके से हाइट क्या है, ये वाली 1/2, बस देखिए ये वाली चीज़ तो सेम ही है, ठीक है, दोनों में, और सिर्फ यहाँ पर b/4 है, यहाँ पर 1/2 है। पेरीमीटर तो आपको पता ही है, तीनों साइड का प्लस हो जाएगा, अगर हम ये कहें दोनों साइड बराबर है, ए ए है और तीसरी जो रह गई वो बी है, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a + b, मतलब पेरीमीटर को याद करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आगे देखिए स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल क्या होती है, सबसे पहले देखिए, मतलब जिसकी तीनों ही साइड अनइक्वल होती है, तीनों साइड बराबर नहीं होती है, जैसे कि अगर मैं ये बात करूं, अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मतलब तीनों साइड बराबर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलन ट्रायंगल। अब देखिए इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, s × s - a, s - b, s - c। अब यहाँ पर s क्या है, ए तो क्या है, ए बी सी तो तीनों साइड हैं, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी तीनों साइड की लेंथ है, लेकिन एस क्या है, एस को हम कैसे पता करेंगे, एस का फॉर्मूला होता है ए
प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और पेरीमीटर तो वही है तीनों साइड का प्लस, इजी था, आपने पढ़ा ही होगा ये फॉर्मूला पहले भी। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री का हो, वो त्रिभुज, वो त्रिकोण जिसका एक एंगल, एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, मतलब उसे हम करण कहेंगे। अगर आपने पंजाबी या हिंदी में पढ़ रखा है तो आपको पता होगा उसको क्या कहेंगे, करण कहेंगे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। और ये एक क्या हो जाती है, हाइट मतलब लंबाई, मतलब ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई, हाइट ऊंचाई हो जाती है और एक बेस हो जाता है, ठीक है, बेस। चलिए ठीक है, ये तीनों इसकी साइड होती हैं, बेस, हाइट एंड हाइपोटेन्यूज। और इसका आप देखिए एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब अगर हम बात करें, ये सपोज 4 है, ये 2 है, ये 5 है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जो ये वाली साइड होती है क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ये तो मैंने वैसे ले ली, मतलब ये वाली साइड नहीं होंगी, मतलब कुछ और ही होंगी, क्योंकि हमेशा ये वाला भी अप्लाई होता है, वो आगे मैं आपको बताती हूँ रूल। तो ये मतलब आपकी हमेशा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इन दोनों साइड के क्या होता है, बड़ा होता है, इन दोनों साइड से बड़ा होता है। तो अगर हम एरिया निकालना हो तो 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, 2, हाइट कितनी हो जाएगी, 4, तो कटिंग करके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और पेरीमीटर वही तीनों साइड का प्लस। तो हमेशा जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम याद ही होगी, छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, मतलब करण का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बराबर किसके होता है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है हमेशा आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ओके। चलिए अब हम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं, धीरे धीरे हम हाई लेवल की तरफ बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन करवाती हूँ, उसके बाद आपको क्वाड्रिलेटर सभी टाइप कवर कर लेंगे, फिर हम जो है बाकी वाले क्वेश्चन भी कवर करेंगे। मतलब मैं जो भी पार्ट इसके, अभी तो मैं फर्स्ट सेट आपको करवा रही हूँ, जो भी इसके सेट होंगे सभी को ध्यान से देखिएगा, ये नहीं है कि एक सेट देख लिया और छोड़ दिया, नहीं, सेकेंड सेट, थर्ड सेट, सभी को कवर कर लीजिएगा, ओके। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स, अरे पेरीमीटर पता करना है, साइड की लेंथ दी हुई है, एक 3 है, एक 8 है, एक 5 है, अरे नो नीड ऑफ कॉपी एंड पेन, आपको ऑरली हो जाएगा। पेरीमीटर मैंने आपको बताया था क्या होता है, तीनों साइड का प्लस। तो 8 + 3 = 11, 11 + 5 कितना हो जाएगा, 16, बस क्या था, ठीक है, 3 + 8 + 5 = कितना हो जाएगा, 16, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 45, फाइंड इट्स एरिया। अब देखिए क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया है पहले, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर हमने क्या कहा था, तीनों साइड का प्लस, मतलब ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 3a किया था ना, याद होगा आपको, तो 3a किसके इक्वल दिया हुआ है, 45। पेरीमीटर हमें किसके दिया हुआ है बराबर, 45 के, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 3a, तो 3a को हमने 45 के बराबर रख दिया, तो ये उधर जाके कटिंग हो जाएगा 15, ठीक है, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, 15/3, तो कितना आ जाएगा, 45/3 कितना आ जाएगा, 15। तो मतलब हर एक साइड की लेंथ क्या आ गई, 15, 15, 15, ठीक है, साइड की लेंथ आपके पास 15 आ गई। अब देखिए पता करने को क्या बोला था, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या था, √3 ऑफ ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है, आई है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 × 15 मतलब 225, ठीक है, तो 225/4 ऑफ √3, बस ये आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए आगे क्या है, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी थी, जिसकी दो साइड क्या थी, इक्वल थी, इसका अब हमें पेरीमीटर दे दिया गया है, एंड इट्स इक्वल साइड टुगेदर मेजर। अब देखिए जो इसकी इक्वल साइड थी उसका टुगेदर, मतलब इन दोनों का प्लस जो है 18 दिया हुआ है, अब दोनों बराबर है तो हमें पता है कि ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी, तभी तो दोनों का 9 + 9 = 18 होगा ना, तो ये हो गया।
चलिए देखिए, अब हम हमारी ये जो दोनों नाइन नाइन आ गई, इसके बाद क्या कहा गया है, थर्ड साइड जो है वो हमें पता करनी है, मतलब ये वाली साइड पता करनी है, एंड इट्स ईच इक्वल साइड। अब देखिए इक्वल साइड तो हमें पता लगी गई है कितनी है, नाइन, एक तो नाइन आ जाएगा हमारा आंसर। अब थर्ड साइड जो है वो पता करनी है, वो कैसे पता करेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 32, तो पेरीमीटर किसके बराबर होते हैं, तीनों साइड का प्लस, मतलब नाइन प्लस नाइन प्लस जो थर्ड साइड है उसको हम सी मान लेते हैं इक्वल टू किसके, 32 के, तो सी इज इक्वल टू 32 माइनस 18, तो आपके पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, तो 14 और 9 हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अभी ये है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, मैंने आपको फॉर्मूला जो है ऑलरेडी करवा दिया है, तो इसका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी, जो अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास होगी उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।